लगा तो मटका नहीं तो झटका, वाइड गेंद, एक रन से स्कोर 47 पे पहुंचा है। कहीं ना कहीं यहां पर महिंद्रा को जरूरत है बड़े स्ट्रोक की और बालाजी चाहेंगे विकेट। बहुत अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, बैकलीफ को ऊंचा रखा था, बहुत बढ़िया फील्डिंग दीपक मटवी की, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या क्रिकेट हो रहा है, अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगदी बरोबर, तिन्ही गोष्टी चांगल्या घडल्या या चेंडूवर। या दोन धावींनी धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकते ती 49। 49 रन हो चुके आखिरी गेंद। आफताब हरेश पाटिल के लिए लंबा हिट लेने की कोशिश, डॉट गेंद, तो कुल रन बने 49। 50 रनों की गोल्डन जुबली की चुनौती बालाजी के सामने। आइए दोस्तों, हम आपको ग्राउंड पे लिए चलते हैं जहां पे टॉस के लिए तैयार है। भिवंडी हो या जवार, बहुत ही मशहूर है हमारे साथी कमेंटेटर पवार। अनेक अनेक धन्यवाद भावे सर। बंटी स्पोर्ट आणि जॉली स्पोर्ट कामतगड दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेक होत आहे। सर्वप्रथम जॉली स्पोर्ट कामतगड संघाचा कर्णधार प्रेम, मनपूर्वक स्वागत आहे आपलं। बंटी स्पोर्ट संघाचा संघनायक वेलकम, सुस्वागतम। आणि व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय भगवान भोईर व तसेच कबीर ठाकरे या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठाच्या खाली यायचंय नाणेफेक करण्यासाठी। सुस्वागतम। नाणेफेक करण्यासाठी दोन्ही मान्यवर सन्माननीय कबीर ठाकरे साहेब तसेच भगवान भोईर साहेब। पाच षटकाचा सामना आहे, थोडंसं कमिटीने आज परिवर्तन केलेलं आहे। पहिल्या दोन षटकामध्ये जर नवीन चेंडू बाहेर गेला तर पहिल्या दोन षटकामध्ये नवीनच भेटणार आहे, त्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकात चेंडू जर बाहेर गेला सापडला नाही तर मग जुना चेंडू देण्यात येईल। भगवान भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होत आहे। जॉली स्पोर्ट कामतगार आणि बंटी स्पोर्ट नाणेफेक जिंकलेली ती कामतगार संघाने, पाहुण्यांना विनंती असेल थांबायचं आहे। प्रेम सर्वप्रथम मनपूर्वक स्वागत आहे। दुपारचं सत्र सुरू झालेलं आहे, चमकदार ऊन आहे, खेळपट्टी फ्रंदला पोषक आहे, पण नाणेफेक जिंकलेली आहे, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार, शतक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला काल बंटी स्पोर्ट कल्पेश बबलू ज्यांनी येणार बोरपटा संघाला न भूतो न भविष्यत अशी फटकेबाजी केली होती, 44 धावाची खेळी साकारली होती, त्या संघा अगेन्स्ट गोलंदाजी करायची आहे, किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? रोखण्याचा प्रयत्न करू। जॉली स्पोर्ट कामतगार संघ अतिशय, मी कालच पण सांगितलं की सर्वात लोकप्रिय संघाच्या यादीमध्ये हा संघ निश्चित चांगला आहे। कुठंतरी हा संघ क्वार्टर की सेमी असला तर निश्चित अशी असते भिवंडी वाशिने की जॉली स्पोर्ट कामतगार संघ अंतिम फेरीत पोहोच, या जेवणा चषकमध्ये काय अशी अपेक्षा असेल? यावेळेस नक्कीच चांगला प्रयत्न करू, चांगला खेळ करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू। कालचा जो संघ कायम होता की या महत्वाच्या सामन्यामध्ये संघामध्ये काही परिवर्तन या सामन्यात? लेग शॉर्ट थर्ड मॅन सचिन गायकॉट, शॉर्ट फाइन लेग अजित डाकी, देर इज अ मॅन एट पॉइंट राज बावल्या एंड कवर यसुद्दीन शेख, मिड ऑफ पप्पया खारिक, मिड ऑन हरेश पाटील, फर्स्ट बॉल ट्राय टू ड्राय फाइन डिलिव्हरी, बीसीम आउट साइड ऑफ स्टम्प, दीपक मडवी ट्राय टू प्ले अ चॉप स्ट्रोक, गुड स्टार्ट फ्रॉम सुरेश पारधी। रिमेंबर सुरेश पारधी वन ऑफ द क्लास बॉलर इन ऑल सीजन क्रिकेट। पारधी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गोस पासस, गोस टू दीपक, चिप्ड अवे इन द एयर ओवर द इनफील्ड, couple of bounces cross the boundary for four. Typical one day shot played by Deepak Madvi, overhead of Haresh Patel, it taken its chances, over goes to mid on for a four.
Now, Somnath, having a word with Deepak Madvi, this is the very good reply from Balaji, 4 for 9 wicket. Deepak Madvi off the mark with the boundary. And here we watch Suresh Pardi, left arm over the wicket. Goes to Madvi, try to reverse sweep, beats him outside the off stump. One of the best player of switch hit and reverse sweep, but finally very good ball from Suresh Pardi. This is the very good battle between Suresh Pardi and Deepak Madvi. Previous 3 ball, 4 runs coming. The asking run rate is 10.00, and now first mandatory hold. There is a first official warning, no comments. Yes. Now Madvi on his strike. Deepak Madvi get 3-time best discipline cricketer awards. Heart of Bhivandi. Here goes Suresh Pardi, left arm over the wicket. Osto Madvi flicks that ball, beautifully struck for 6. Heart of Bhivandi played a heart touching shot, nicely flicks off his wrist, and ball is racing all the way to the mid wicket for a glorious 6. I think this is the positive start from Balaji Sport. Jitu Manerkar, the coach of Balaji, Dhyanand Chorge is the sponsor of Balaji Sports. Now 10 for no wicket. They are touching the asking run rate. Today's Balaji's cricket is looking a different cricket. Suresh Pardi, left arm over the wicket. Goes to Madvi, once more try to reverse sweep. They threw for 1, we wait for umpire signal. By signal from umpire, 1 to score now. Is 11. समाप्ति पे रन बने 12-11 और एक विकेट गवा दिया है. नए बैट्समैन छोटू भेजा है ऊपर, रुपेश छोटू को भेजा है, अलग रणनीति हम देख रहे हैं. दीपक मडवी इस वक्त 10 पे बल्लेबाजी कर रहे, क्या क्लास दोनों शॉट खेले उन्होंने. देखना है कि कठिनाइयां इस वक्त थोड़ी बढ़ती हुई गेंदबाजी के लिए राज बावलिया को बुलाया गया है. आज सचिन गायकवाड भी कप्तानी में रद्दो बदल कर रहे हैं. शतरंज की बाजी के जो मोहरे हैं, किसी को आगे किसी को पीछे चला रहे हैं. गैसुद्दीन शेख का उन्होंने ओवर रखा है. राज बावलिया हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे. समय में कॉपरेट करना है महिंद्र स्पोर्ट, क्योंकि इसके बाद आखिरी क्वार्टर फाइनल, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फिनाले अभी हमको खिलाना है. राज बावलिया सामना करेंगे दीपक मडवी. महेंद्रा की जो नजर है वो दीपक के विकेट पे नजर है. पहली गेंद बाद खूबसूरती के साथ स्वीप कर दिया, पैडल स्वीप 4 रन. बताइए प्रकार के हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी इस वक्त हार्ट टचिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं. दिमाग की बत्ती जला के जिसे कहते हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस वक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रुपेश चौधरी
इस यूट्यूब के माध्यम से इस कप का मजा ले रहे हैं इस मैच का। उन्होंने आने वाले मैच के लिए जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को ऑल द बेस्ट कहा है और इस कप की सराहना की। आपका इस्तकबाल है यूएस में रुपेश चौधरी जी। इस बीच अगेन रिवर्स, ये तो बेताज बादशाह रिवर्स के 6 रन, रिवर्स शॉट के बेताज बादशाह हैं और इस छक्के के साथ ही आलम शेख ने इस वक्त दीपक मडवी को ऑल द बेस्ट कहा है। तालुका क्रिकेट में कुछ बहुत बड़ी इनिंग है, उसमें उनकी वो यादगार इनिंग है जो धनेश के सामने उन्होंने खेली थी और आज भी रंग उनका वैसा ही लग रहा है। हालांकि सीजन के पहली गेंद पर वो शून्य पे आउट हुए थे सरपंच कप में, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि उनका क्लास क्या है। 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर 2 चौके। इसके बाद यहां से सीधा हम आपको सिटी क्रिकेट में एकता कप शाहिद खान के शो में लेकर चलेंगे 29 तारीख से। टोलना का ग्राउंड पड़गा में वो शो होने जा रहा है एकता कप। गेंदबाजी कर राज बावलिया, कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं इसलिए सुरेश पारदी उनके पास गए, उनको बता दिया कि आपको क्या करना है, लेकिन देखना है कि दीपक मडवी के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक चारों शॉट लाजवाब, अफलातून स्ट्रोक खेले, फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, गेंद मोटा सिरा लेकर चली गई डीप बैकवर्ड पॉइंट पे बिलाल शेख के पास। हालांकि बहुत ही कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाए थे, उसका नतीजा ये रहा था कि बल्ले की जो गिरफ्त है वो ज्यादा घूम गई थी, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया था। कई मरतबा हम देखते हैं कि बैट्समैन जहां खेलना चाहता है वहां देखना भी शुरू करता है। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है बालाजी का 22 रन। सुमित सोनार, वीएम टाइगर ने आने वाले मैच के लिए जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को ऑल द बेस्ट कहा है। राज बावलिया सामना करेंगे रुपेश छोटू। अगेन इनफील्ड के ऊपर से क्लासिकल स्ट्रोक 4 रन। ये देखते हुए के वाइड ऑफ मिडॉन खिलाड़ी ऊपर खड़ा है, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही आसानी के साथ उसको खेल दिया 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 26 रनों पे पहुंचा है। आप कठिनाइयां बढ़ती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स की, क्योंकि जिस तरह से पीछा किया जा रहा है, जिस तरह से दीपक मडवी बल्लेबाजी कर रहे, केवल 24 रन चाहिए बची हुई 3.2 गेंदों पर। 3.2 ओवर्स लेफ्ट। आज बालाजी के जो तेवर थे हमने देखा पहले गेंदबाजी में, वही बहुत तीखे नजर आए। आपका बॉडी लैंग्वेज जब जिस दिन यूज रहता है, और गैसुद्दीन का शून्य पे आउट होना, बिलाल का एक बहुत ही खूबसूरत कैच जाना, ये बहुत से रीजंस रहे आज। इस मरतबा कट के अंदर की जानी बाई थी, बल्ले का मुंह को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन बंद बल्ले से गेंद पहुंची थी फ्लाई शॉट कवर में 1 रन के लिए। आप जब स्टीयर करते हैं तो बल्ले का मुंह खुलना होता है, हालांकि बंद मुंह से उस शॉट को खेला था बल्ले के। सामना कर रहे हैं राज बावलिया का दीपक मडवी, 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर 2 दिलकश बाउंड्रीज। निलेश चोरगे ने इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है और ऑल इज वेल है। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक फोर्स किया गेंद को, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 4 रन। छोटी गेंद थी, बैक फुट पे चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह भी बनाई थी, बहुत बेहतरीन शॉट 4 रन।
निलेश चोरगे जो के बालाजी के दो ओवर में 31, बालाजी के असिस्टेंट कोच हैं, जीतू मानेरकर के बाद 31 रन हो चुके हैं। अब तीन ओवर में केवल 19 रन चाहिए और आपके पास 9 विकेट है, मानो आपको बल्लेबाजी का लाइसेंस मिल जाता है। बबलू, कल्पेश बबलू ने तो कल सूरत डूबने के साथ एनआर की गेंदबाजी को भी डुबा दिया था। क्या बल्लेबाजी की थी जहीर को, जो उन्होंने शॉट खेला था वो अद्भुत स्ट्रोक था। सनी भोईर ने भी इस वक्त बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। मेसी भोईर ने इस वक्त कासिम बाबू को ऑल द बेस्ट कहा है। क्या शॉट खेला वहां पर, सिल्वर जुबली रना के खेल रहे हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक भी, और मरता क्या ना करता, आखिरकार लाना पड़ा गैसुद्दीन शेख को। मेसी भोईर जो कासिम बाबू के बहुत बड़े फैन है, पिछले साल बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे कासिम बाबू डेप्यूटी मेयर कप में। गेंदबाजी के लिए गैसुद्दीन शेख, अभी नहीं तो कभी नहीं। पहली गेंद हुक करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे लुढ़क कर पहुंची एक रन। अब 18 रन और चाहिए बची हुई 17 गेंदों पर। बहुत ही आसान इक्वेशन, और आज बालाजी का क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पे नजर आ रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट दीपक मंडवी को, इस मरतबा हाफ वॉली पे लिया, धीरे से ड्राइव करते हुए गेंद को डीप मिड ऑफ पे, दूसरे के लिए पलट चुके हैं रन आउट की अपील, लेकिन पहुंच गए अपनी क्रीज में। इन दो रनों से दीपक मंडवी 27 पे बल्लेबाजी कर रहे। अब बात यह है इफ्तिकार कि मैन ऑफ द मैच हम किसको दें, 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक मंडवी और 4 विकेट लिए सूरज जोशी ने। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गैसुद्दीन शेख। इस मरतबा अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल का इशारा आता हुआ। बिलाल शेख आज मायूस नजर आ रहे हैं, हालांकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, लेकिन एक खिलाड़ी तो आपको जिता नहीं सकता। इस मरतबा रिवर्स हुक मारना चाहते थे, अच्छा उछाल पड़ा था गैसुद्दीन ने, हालांकि पॉइंट ऊपर खड़ा है, शॉर्ट थर्ड मैन ऊपर खड़ा है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑन साइड में लगाए गए। गैसुद्दीन शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दीपक मंडवी के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पहले बाउंस पर गेंद पहुंची थी स्वीपर में और आउट हो गए, बढ़िया थ्रो पहुंचा था हरेश पाटिल का डीप से। इनिंग प्लेड बाय दीपक मंडवी, नए बैट्समैन, देखिए उन्होंने हौसला बढ़ाया अपने खिलाड़ी का, चलता है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी, और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं इफ्तिकार अहमद। तीसरी ओवर का मुकाबला इस समय प्रगति पर, रनों की संख्या 35, 2 विकेटों के नुकसान पर 50 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय बालाजी स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज आए
सूरज जोशी आए। यशुद्दीन की ऐसे गेंद, ये तो गई मैदान के बाहर 6 रन। फटका षटकारांनी सूरज आपलं खातं उघडतोय आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती 41। 50 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है बालाजी। अब सिर्फ 9 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि महिंद्रा स्पोर्ट्स विकेटों की तलाश में। सूरज जोशी एक बार फिर सामना करेंगे याशुद्दीन का। उनकी ये गेंद, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, गली में 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। खतरा हो सकता है वहां पर, वक्त रहते अपनी क्रीज में मौजूद। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 42। अब बची हुई 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू मध्ये फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे। अतिशय चांगला प्रदर्शन बालाजी संघाचं। आम्ही स्वागत सत्कारकडे वळणार आहोत दरम्यान व्यासपीठावर। व्यासपीठावर सन्माननीय गणेश फौजदार साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी समीर भोईर यांना विनंती करेन की आपण स्वागत आणि सत्कार करायचे। सन्माननीय गणेश फौजदार साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करताना समीर भोईर। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस बीच अगली गेंद, हल्की बैकलिफ्ट से गेंद को मोड़ा, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद जा रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। तशेज व्यासपीठावर सन्माननीय आलोक चौधरी साहेब यांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी परत समीर भोईर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सत्कार करायचे। चौथा ओव्हर लेकर आ रहे सुरेश पारदी। तर पहली गेंद पर गेंद को मोड़ दिया, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील करते 2 रन पूरे किए। रनों की संख्या अब हो चुकी है 46। 4 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। खास बालाजी स्पोर्ट्स संघासाठी रवी देशले संतोष दराडे संतोष यांच्याकडून शुभेच्छा लिहिले। एक बार फिर सुरेश, उनकी ये गेंद, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, खतरा हो सकता है। जी हाँ, एक और झटका।
फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकण्यासाठी. अन्सारी, तिन्ही क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम कामगिरी या सामन्यात पाहायला मिळाली. बालाजी स्पोर्ट्स संघाकडून खास आकर्षक खेळाडू ठरला या सामन्यातला. आतापर्यंत जर बघितलं आपण, सूरज यांनी चांगली कामगिरी केलेली आतापर्यंत. तीन रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए बालाजी को. सुरेश पारदी गेंदबाजी करेंगे, हाईवे एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज अवि पाटिल. बढ़िया फील्डिंग, वहां पर खतरा हो सकता था और गेंद जा रही है खराब थ्रो के कारण बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन और इस मुकाबले को जीत लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने. वेल डन बालाजी स्पोर्ट, हार्ड लक महिंद्रा स्पोर्ट. तर खास बालाजी स्पोर्ट संघासाठी आणि खास त्या संघातला गोलंदाज काशिम बाबूचे लाडके फॅन मेशी यांच्याकडून काशिम बाबूला खास लाख लाख शुभेच्छा आलेल्या आहेत. मॅन ऑफ द मॅच सूरज जोशी, अतिशय चांगली कामगिरी प्रथम गोलंदाजी करताना, 4 गडी बाद त्यानंतर अतिशय चांगली फलंदाजी, 12 धावांचं योगदान दिलं. सूरज जोशी आपल्याला व्यासपीठावर यायचंय. 4 गडी टिपले होते आणि 12 धावांचं योगदान. वेलकम शिवम पाटील. डॅशिंग अंदाज माझे खास मित्र आहेत, स्वागत आहे आपलं. तर सूरज जोशी आपल्याला व्यासपीठ राहायचंय, क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचंय. जॉली स्पोर्ट कामतगड संघाचा कर्णधार हा शेवटचा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल जॉली स्पोर्ट कामतगड आणि बंटी स्पोर्ट. तर व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय गणेश फौजदार साहेब यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण सूरज जोशी याला मॅडमचा पुरस्कार द्यायचे. तालुका क्रिकेटचा अतिशय उत्कृष्ट राऊंडर आणि खास संतोष धराडे रवी देसले यांनी मॅडमसाठी शुभेच्छा दिलेत. चमकदार कामगिरी. तर शेवटचा हा क्वार्टर फायनलचा सामना असेल जॉली स्पोर्ट कामतगड आणि बंटी स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान. आणि खास या विजयाबद्दल